आज का हमारा टॉपिक है कथाकार प्रेमचंद। प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में हैं। कैसे हैं? मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है। वे अपनी श्रेष्ठ कहानियों और उपन्यासों के बल पर आज तक हिंदी साहित्य जगत पर छाए हुए हैं। हिंदी का नाम लेते ही जो पहला नाम होठों पर आता है वह है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी जी ने अपने युग से अनुभव लिए और उन्हीं अनुभवों को लिख करके समाज में बांट दिया। उन्होंने जितना समाज से लिया उससे अधिक समाज को प्रदान भी किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म बनारस से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। उनके पिता श्री अजायब राय डाक खाने में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। घर में आर्थिक तंगी बराबर बनी रहती थी। अभी उनकी उम्र 7 वर्ष ही थी कि उनकी माताजी का निधन हो गया। उनके पिताजी ने दूसरा विवाह रचा लिया। विमाता ने उनके प्रति घोर कठोरता और उपेक्षा का रवैया अपनाया। इस बीच उनका विवाह कर दिया गया। विवाह को 1 वर्ष ही बीता था कि पिता का साया भी उठ गया। अब बालक प्रेमचंद के कंधों पर ऐसमय ही भरी पूरी गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। वे दिन भर पढ़ते, शाम को ट्यूशन करते और दारिद्र्य का शाप ढोते। 1905 में उन्होंने शिवरानी देवी नामक कथा लेखिका से पुनर्विवाह कर लिया। कर्जदारों और विमाता के कटु अनुभवों ने उन्हें गहरे संकट में रखा। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि वे अपनी पुस्तक बेचने पुस्तक की दुकान पर जा पहुँचे। वहीं उनकी भेंट एक हेडमास्टर से हुई, जिन्होंने उन्हें 18 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक नियुक्त कर लिया। अध्यापन के साथ साथ वे अध्ययन और साहित्य सृजन में लगे रहे। अध्यापकी करते करते उन्होंने पहला उपन्यास हम खुरमा हम सबाब लिखा, जो 1901 में प्रकाशित हुआ। 1902 में कृष्णा उपन्यास छपा। उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न जमाना नामक उर्दू रिसाले में छपी। सन 1907 में मुंशी जी का देशभक्तिपूर्ण कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। अंग्रेज सरकार ने उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं। अब उन्होंने नवाब राय की बजाय प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। सन 1928 में उन्होंने माधुरी नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। इसके साथ हंस नामक पत्रिका का श्री गणेश किया। हंस की निर्भीक विचारधारा के कारण वे अनेक बार सरकार के कोपभाजन बने। सन 1936 में उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ। मुंशी जी ने 300 के लगभग कहानियां लिखी। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं: कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर। उनके उपन्यासों में गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का वही स्थान है जो बंगला में शरद चंद्र का है। मजदूर और किसान को कथा का नायक बनाने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। किस्सा गोई में वे अपना सानी नहीं रखते। प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामान्य मानव के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई देती है। उन्होंने राजा रानियों की कपोल कल्पित कहानियां नहीं लिख करके जन जन के मन को अपनी कहानियों में उतारा। अपने बचपन में जो कटु अनुभव उन्होंने भोगे थे उन सभी का प्रभाव उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। उन्होंने मानवीय करुणा, दया, ममता, सहयोग, प्रेम पर आस्था परक कहानियां भी लिखी तथा देश की सामाजिक दुर्दशा पर मार्मिक कहानियां लिखी।
उन्होंने अधिकांशतः अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया। पूस की रात, कफन, दूध का दाम आदि ऐसी ही मार्मिक कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में उन्होंने जैसा युगीन चित्रण किया है, वह प्रेमचंद युग का इतिहास ही बन गया है। उन्होंने ग्रामीण जीवन में व्याप्त छुआछूत, जाति पाति, ब्राह्मणों के अहंकार, सवर्णों के अवर्णों पर अत्याचार आदि को मार्मिकता से चित्रित किया था। मुंशी जी की भाषा सरल, सरल और साहित्यिक थी कि अनपढ़ और विद्वान दोनों पाठक उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। वास्तव में उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक गौरव प्रदान किया। सूक्तियों को जड़ने में और लोकोक्तियों के सटीक प्रयोग में उनका कोई सानी नहीं है। अन्य कोई कथाकार दिखाई नहीं देता। मुंशी जी का शब्द प्रयोग स्वाभाविक है। आम बोलचाल की शब्दावली के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनके कथा साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। सचमुच वे हिंदी के महान कथा शिल्पी हैं।